धार जिले के खाटा बिल्लोद में नाबालिग बच्ची के साथ छेड़छाड़ की घटना सामने आई है। यहां वर्ग विशेष के सब्जी दुकानदार ने बच्ची के साथ गलत हरकत की। वहीं शिकायत मिलने पर पुलिस ने ना सिर्फ आरोपी को गिरफ्तार किया बल्कि उसकी दुकान पर बुलडोजर चला दिया। घटना घाटा बिल्लोद के प्रमुख मार्ग की है, जहां सब्जी दुकानदार सलमान द्वारा 8वीं कक्षा की बच्ची का रास्ता रोककर उसके साथ छेड़छाड़ की। नाबालिग ने अपने परिजनों के साथ पीथमपुर थाने में शिकायत की। वहीं घटना को लेकर हिंदू संगठनों में खासी नाराजगी देखने को मिली। बड़ी संख्या में हिंदू संगठन के कार्यकर्ता घाटा बिल्लौद पुलिस चौकी पहुंचे और आरोपी पर सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। वहीं मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने न सिर्फ आरोपी को गिरफ्तार किया बल्कि उसकी सब्जी की दुकान का जमींदोज कर दिया। इस दौरान पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी सहित भारी पुलिस बल नजर आया। हाँ, आज दोपहर करीब 12 बजे की घटना है। एक सलमान नाम का लड़का है जो सब्जी भाजी का ठेला लगाता है। एक 15-20 बालिका के साथ उसने छेड़छाड़ की घटना कारित की है, जिस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए थाना पीतमपुर पर महिला अधिकारी द्वारा बालिका के बयान लिए गए और उसके तहत छेड़खानी एवं नाबालिग बालिका के पॉस्को एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। आरोपी को भी हिरासत में ले लिया गया है। उपनिरीक्षक सुशील यदुवंशी, चौकी प्रभारी घाटा बिल्लोद।